ये अपने जो सर है आपको डिटेल बताते रहेंगे। चालू कीजिए सर। हाँ जी सर, तो नेम स्पेलिंग में पहले तो आता है फुल नेम, जिसको हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। जो मैंने देखा है मैक्सिमम न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो फुल नेम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और फुल नेम को वो 1, 3, 5 और 6 पे आपको ला देंगे, जो बहुत अच्छा है। जो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मैच होते हुए वो फुल नेम को आपके करियर या हेल्थ या आपका जो भी एम्बिशन है उसके हिसाब से आपका फुल नेम चेंज करेंगे। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सिर्फ 30% ही कंट्रीब्यूट करता है। इट इज ओनली 30% ऑफ योर एक्स टोटल नेम स्पेलिंग करेक्शन। नेम स्पेलिंग में फुल नेम 100% नहीं होने की वजह से बहुत सारों को रिजल्ट इसके नहीं मिलते, उसकी वजह से न्यूमरोलॉजी में विश्वास भी टूट जाता है। हमने करके देखा कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये फैक्ट है कि 30% कॉन्ट्रीब्यूशन फुल नेम करता है। जैसे सर भी अपने वेबिनार्स में बहुत बार बताते हैं, हर बार बताते हैं कि फर्स्ट नेम जरूर चेक करो। फर्स्ट नेम भी बहुत बहुत जरूरी है, और उसको चेक करना बहुत जरूरी है, और उसको हम बोलते हैं एफ एन, फर्स्ट नेम एफ एन बोलते हैं हम, जैसे हम इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये शाल्डियन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो शाल्डियन के हिसाब से ही हम नेम करेक्शन के लिए जाते हैं, जैसे सर हमको रेकमेंड करते हैं, तो शाल्डियन सिस्टम पे। ये पाइथागोरियन सिस्टम नहीं है। शाल्डियन सबसे पावरफुल और एक्यूरेट रेमेडी का, स्पेल करेक्शन का सिस्टम है। तो जो ये है इसमें हम फर्स्ट नेम को भी एक अच्छे नंबर पे लाते हैं, और अच्छे नंबर्स 1, 3, 5, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ओके, तो 1, 3, 5, 6 या 7, ये भी 30% कंट्रीब्यूट करता है। 30 प्लस 30, 60% ये कंट्रीब्यूट करता है, तो भी अगर हम देखेंगे तो 40% रिमेनिंग। तो फर्स्ट नेम और फुल नेम मैक्सिमम न्यूमरोलॉजिस्ट इसकी करेक्शन करके आपको दे देंगे, लेकिन आपको जो रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ में वो होगा सिर्फ 60%। 100% नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रूल है। बिकॉज हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली बात करेंगे कि यहाँ पे 30 और 30, 60% ही ये इम्पैक्ट करेंगे, तो बाकी का जो 40% है वो कंट्रीब्यूट होता है। जो तीसरा फैक्टर है उसको बोलते हैं सोल अर्ज नंबर। अब ये जो सोल अर्ज नंबर है जिसको हम एसयू नंबर भी बोलते हैं, ये आपके नाम के वॉवल्स से आता है, आपके नाम के जो वॉवल्स है उसमें से आएगा, और वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स। तो आपके नाम में ये जितने ए, ई, आई, ओ, यू है उसमें से सोल अर्ज नंबर आता है, जो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, और ये 30% रिमेनिंग 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हो गया 90% टोटल। और जो लास्ट 10% है उसको हम बोलते हैं सीक्रेट सेल्फ नंबर। ये जो सीक्रेट सेल्फ नंबर है ये आपकी हिडन आइडेंटिटी है, जिसको सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता, इसको एसएस बोलते हैं, और ये कॉन्सोनेंट से आता है। जो भी आपके नाम में कॉन्सोनेंट्स है, जिसको हम हिंदी में स्वर और व्यंजन बोलते हैं, तो ये जो भी व्यंजन है आपके नाम में, इन 5 लेटर्स को छोड़ के जो भी है वो कॉन्सोनेंट्स में आएगा, और वो 10% रिमेनिंग। तो जब हम कोई भी स्पेल करेक्शन देते हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम फर्स्ट नेम, फुल नेम जिसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, सोल अर्ज नंबर और सीक्रेट सेल्फ नंबर, ये 4 नंबर्स को हम उनके अनुकूल बनाएं। ये चारों नंबर उनको लकी होने चाहिए, ये चारों नंबर उनको फेवरेबल होने चाहिए, तो उनको रिजल्ट श्योर शॉट मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है उनको। और ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है और मेरे क्लाइंट्स का भी एक्सपीरियंस है ये, और ये बहुत ही पावरफुल। मैं इसको पिछले
करीबन 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने इसके रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग देखे हैं। तो इसलिए हमको कभी भी वॉवल्स को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमको कभी भी कॉन्सोनेंट्स के पार्ट को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 40% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और शायद यही रीजन है कि यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे भाई बहन है उन्होंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किए हुए भी है लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला है। इसका रीजन ये है कि हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स चेक नहीं करते, ओवरलुक कर देते हैं, और वो कभी कभी अगर कड़क नंबर्स पे आएंगे, मेहनत करवाने वाले नंबर्स पे आएंगे, तो रिजल्ट हमको बहुत डिलेड मिलेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा। तो ये मेरा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। गुरुजी अभी अगर आपकी परमिशन हो और टाइम हो तो हम अभी एग्जांपल लें, नहीं तो फिर हम अगले वेबिनार में लेंगे। एक एग्जांपल ले लीजिए, समझने में आसानी रहेंगी। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल लेंगे हम। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं स्क्रीन क्लियर करूंगा अभी। तो एक एग्जांपल हम लेंगे, एक सेलिब्रिटी का एग्जांपल लूंगा मैं। माधुरी दीक्षित जी, हम यहाँ पे प्योरली नेम, स्पेल, करेक्शन और ये जो 4 एलिमेंट्स हमने सीखे उस पे हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो माधुरी दीक्षित की डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 May 1967, जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि उनका जो बर्थ डेट है, बर्थ डेट वो आएगी 6 पे, क्योंकि 1 + 5 = 6, राइट? तो बर्थ डेट 6 पे आएगी। अब जो उनका लाइफ पाथ नंबर है, जिसको हम कंडक्टर या डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, मैं उसको लाइफ पाथ नंबर लिखूंगा यहाँ पे, LP, तो इसको टोटल हमको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो 1 + 5 + 5 + 1 + 9 + 6 + 7, ये टोटल आएगा 34। हाँ जी, विच इज 7। तो इनका जो ड्राइवर है या बर्थ डेट नंबर है वो 6 है, और जो कंडक्टर या लाइफ पाथ नंबर है जिसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं वो 7 है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम इनका फर्स्ट नेम देखेंगे, जिसको हम FN बोलते हैं, फर्स्ट नेम देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपने शाल्डियन चार्ट का स्क्रीनशॉट लिया था, हम उसके हिसाब से यहाँ पे हम इनका कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो ये जो M है ये 4 पे आएगा, A 1 पे आएगा, D 4 पे आएगा, 5, 6, R 2 पे आएगा और I 1 पे आएगा। दीक्षित का D 4 पे, I 1 पे, X 5 पे आएगा, I 1 पे आएगा और T आएगा 4 पे। अब हमको इनका फर्स्ट नेम और फुल नेम ये टोटल कैलकुलेट करना है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं आप चाहो तो, सब कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली ताकि सबको इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी मिल सके और समझ भी सके हम क्या है ये। आप तो इनका जो फर्स्ट नेम है वो आ रहा है 23 पे, 2 + 3 = 5। अब इनका फुल नेम देख लीजिए, आपको सरनेम अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, इनका फुल नेम माधुरी दीक्षित फुल नेम आपको लेना है और वो आ रहा है 38 = 2, ये 2 पे आ रहा है। तो आप देखेंगे यहां पे हम डालेंगे 5 फ्रॉम 23
और जो इनका फुल नेम है जिसको एक्सप्रेशन हम बोलते हैं शाल्डियन में, हम उसको 38 पे लिखेंगे। अब टू नंबर आने की वजह से ये ग्लैमर इंडस्ट्री में है और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिक्स इंडस्ट्री ब्यूटी लग्जरी शो ऑफ फेम नेम, तो सिक्स तो इनको इनहेरेंटली मिला हुआ है। तो शी वॉज बॉर्न टू बिकम अ हीरोइन, शी वॉज बॉर्न टू बिकम अ एक्ट्रेस, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस, वेरी ब्यूटीफुल फेस, वेरी ब्यूटीफुल नेचर, वेरी सक्सेसफुल लेडी। और टू जो है इनका जो फुल नेम है जिसका 30% इफेक्ट इनके लाइफ में होता ही होता है, वो 38 से 2 पे आ रहा है और वो मून एनर्जी है, चंद्र एनर्जी है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट फॉर फिल्म स्टार्स। तो आपने देखा होगा फिल्म स्टार्स, बहुत सारे फिल्म स्टार्स का जो ये फुल नेम है या उनका बीबी है एलपी है, कहीं ना कहीं उनमें 2 जरूर आता है। और 2 और 7 फिर से बहुत सिमिलर नंबर्स है, 2 और 7 बहुत ही सिमिलर नंबर्स होने की वजह से 7 भी इनके डेस्टिनी में आता है। तो मतलब शी वॉज बॉर्न टू गेट ऑल द नेम फेम वेल्थ एंड लग्जरी दैट शी हैज गॉट। अब हम देखेंगे वॉवल्स, जिसको हम बोलते हैं सोल अर्ज नंबर, सोल अर्ज नंबर। तो अगर हम देखेंगे यहां पे वॉवल्स की बात कर लेते हैं, तो यहां पे वॉवल्स है ए यू आई फिर से आए और फिर से आए, ये वॉवल्स। वॉवल्स का एक और सिग्निफिकेंस है, जब भी हम क्लाइंट का स्पेल करेक्शन करते हैं तो जहां तक हो सके हमको नाम का पहला वॉवल कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, पहला वॉवल ऐसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है जो क्लाइंट के एटीट्यूड नंबर बैलेंस नंबर मेच्योरिटी नंबर से जुड़ गई होती है, इसलिए हमको उसके पहले वॉवल से कभी भी फिजिट नहीं करना चाहिए, ये भी शाल्डियन का रूल है। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये वॉवल्स हैं। अब ए इज 1 यू इज 6 1 1 1, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 + 1 = 7 8 9 10, ये 10 पे आ रहे हैं, विच मेक्स हर नंबर 1। तो ये नंबर 1 है अपने टाइम के, ये नंबर 1 हीरोइन रह चुके हैं, ये भी एक ऑस्पिशियस नंबर पे आ रहे हैं इनके, मतलब ये मिसमैच नहीं है, इन्होंने कोई स्पेल करेक्शन की नहीं, ना ये मेरे क्लाइंट है, हम सिर्फ एक सेलिब्रिटी का चेक कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही लकी नंबर पे आ रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि इसकी वजह से इनको नेम फेम एकदम जो भी इनको चाहिए था इनको सब कुछ मिला है, और अभी इनका फिर से करियर जो भी आगे भी बढ़ा है वो भी बहुत शाइनिंग है। अब तो काफी इजी हो जाएगा आई थिंक, बिकॉज 38 - 10 आपको करना है तो आपको कॉन्सोनेंट्स मिल जाएंगे, 38 - 10 विल बी 28, और 28 भी नंबर 1 है। तो शी वॉज बॉर्न टू बिकम अ नंबर 1 एक्ट्रेस, अ नंबर 1 हीरोइन। तो जितना इनको रुतबा मिला, जितना इनको नाम शोहरत पैसा मिला, शायद ही किसी को मिला हो, शी इज अ लिविंग लेजेंड। एंड नंबर 1 जो है इनका सोल अर्ज और सीक्रेट सेल्फ, ये दोनों में 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है माधुरी दीक्षित जी को, और ये 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है जो भी एक फेवरेबल नंबर में, जो इन्होंने फील्ड चुनी है वो एक बहुत ही फेवरेबल फील्ड है इनके लिए। और ये जो इनका फुल नेम है 5, तो आप देखोगे कि हमेशा हंसते रहते हैं, हैप्पी गो लकी है, वेरी गुड इन कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस ब्यूटिफुल, तो ये थर्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर। तो इस तरह से हमको देखना है 30 30 30 10। तो कभी कभी क्लाइंट को जब हम नंबर देते हैं स्पेल करेक्शन देते हैं तो कभी कभी सीक्रेट सेल्फ नंबर मैच नहीं भी करता, कभी कभी वो 8 पे आता है या 4 पे आता है, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन सोल अर्ज नंबर के साथ हमको फिजिट नहीं करना चाहिए जो वॉवल से आता है। वॉवल से डायरेक्टली सोल अर्ज नंबर आता है, जैसे सर बोल रहे थे कि आज हम वॉवल्स के बारे में सीखेंगे, तो ये जो वॉवल्स का डिटेल है तो आप जरूर अपने नाम में भी वॉवल्स चेक करिए और इंश्योर कीजिए कि वो भी आपके एक फेवरेबल नंबर पे आए। और यहाँ पे हमको ये देखना होता है कि ये जो ये 5 2 1 1, ये 6 और 7 से मैच भी होने चाहिए, ये अनफेवरेबल नहीं होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 8 होता तो 1 देना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 8 और 1 एंटी,
तो हमको एंटी नंबर्स नहीं देने हैं, ये चारों नंबर्स आपके ड्राइवर और कंडक्टर से फेवरेबल भी होने चाहिए, जो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको चेक करना चाहिए, हमको बिना चेक किए ये नहीं देना चाहिए। हमको क्या करना होता है कि हमको इस बीडी को हमको फर्स्ट नेम के साथ मैच करना है, हमको उसको एक्सप्रेशन के साथ मैच करना है, सोल अर्ज के साथ मैच करना है, और ये सारे राइट आने चाहिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं आना चाहिए क्लाइंट के लिए, क्योंकि वो बहुत विश्वास से हमारे पास आए, वो बहुत जगह धक्के खा के हमारे पास आए हैं, तो इसलिए हमको उनको एक बहुत ही पावरफुल स्पेल करेक्शन देनी। उसी तरह से ये जो एलपी है, जो हमारा आपका लाइफ पाथ है, डेस्टिनी नंबर, वो भी ये चारों के साथ मैच होना चाहिए, किसी के साथ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसी के साथ इसका जो थर्ड पार्ट है मैंने कंप्लीट किया एक एग्जांपल के साथ, हम आगे के सेमिनार्स में भी देखेंगे, इसके और एग्जांपल्स लेंगे और हम और अच्छे से इसको समझेंगे और हम देखेंगे